मैं संजीव सर आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ रासायनिक बल गतिकी में, जिसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ अनुसंख्यता, उसकी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ और साथ में छदम अकानी को भी क्रिया की। अनुसंख्यता में किसी भी क्रियाकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या अनुसंख्यता कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ए प्लस टू बी से प्रोडक्ट पी के रूप में बना है। यहाँ ए का प्रारंभिक मोल एक है और बी का प्रारंभिक मोल दो है, तो एक और दो दोनों का योग तीन अर्थात इसकी अनुसंख्यता तीन है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो एक मोल H2O2 जब क्रिया किया तो H2O और नवजात ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इसमें अगर अनुसंख्यता का बात करें मोलिकुलिटी तो इसका मान भी एक ही आया है। इसमें अनुसंख्यता में क्रियाकारक की गणना सिर्फ किया जाता है, उत्पाद की गणना नहीं किया जाता है। तो यहाँ हम कुछ कंडीशन भी जान सकते हैं कि अनुसंख्यता किस चीज़ को बोला जा सकता है और किसको नहीं बोला जा सकता है। तो कंडीशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट, अनुसंख्यता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात अनुसंख्यता का मान हमेशा धनात्मक ही होता है। कंडीशन नंबर सेकेंड, अनुसंख्यता का मान एक अणु या द्वि अणु या त्रि अणु के हो सकते हैं। अनुसंख्यता सदैव एक संख्या के रूप में होती है, अर्थात अंकों के रूप में, क्योंकि जिस प्रकार गिनती की संख्या को गिनती किया जाता है ठीक उसी प्रकार अनुसंख्यता होता है। अर्थात मान लेते हैं x प्लस वाई से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो x का गुणांक एक और y का गुणांक एक, एक प्लस एक बराबर दो, यानी कि अनुसंख्यता दो है। इस अभिक्रिया के लिए अनुसंख्यता का मान दो। नेक्स्ट कुछ आप लोगों को बनाने के लिए हम दे देते हैं। फर्स्ट 2a प्लस 3b से प्रोडक्ट, अनुसंख्यता का मान कैलकुलेट करना है इसमें। सेकंड 4a प्लस 5b से प्रोडक्ट। थर्ड 6a प्लस 2b से प्रोडक्ट। फोर्थ 3a प्लस 5b से प्रोडक्ट। फोर फाइव 6a प्लस 3b से प्रोडक्ट। यह अनुसंख्यता सिर्फ और सिर्फ क्रियाकारक पर प्रारंभिक मूलों का योग के रूप में ज्ञात किया जाता है। अनुसंख्यता के बाद हम आप लोगों को छदम एकानुक अभिक्रिया कोटि के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। छदम एकानुक यानी कि पहला वर्ड ही ऐसा है जो छल कपट के रूप में जाना जाता है। छदम यानी कि छल, इसे इंग्लिश में सूडो PSEUDO यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। सूडोनिमोलिकुलर रिएक्शन अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है उसे छदम एकानुक अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में CH3COOC2H5 प्लस H2O, H प्लस आयन के रूप में CH3COOH और C2H5OH अर्थात अल्कोहल और एसिड का निर्माण होता है। C12H12SO11 प्लस H2O फिर से H प्लस आयन के रूप में डालने पर C6H12O6 और C6H12O6 के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात एक ग्लूकोज तो दूसरा फ्रुक्टोज। अगला C6H5N2Cl
प्लस फिर से पानी मिला रहे हैं H2O, मिलाने पर फिर से C6H5OH और N2 और HCl, अर्थात अल्कोहल, OH, फिनॉल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ RX की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया H2O के साथ कराने पर ROH, फिर से अल्कोहल, HX प्राप्त होता है। यहाँ देखा जाए तो इसकी एक यानी कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता। यहाँ दो प्रकार के क्रिया कारक उपस्थित है, एक और एक, इसकी मोलों की संख्या एक और एक दो होना चाहिए, अर्थात कोटो मोलों की संख्या दो है, यहाँ कोटि निकल के दो आना चाहिए, लेकिन छदा में कानुक होने के कारण ये अपने आप अभिक्रिया संपन्न होता है और इसकी कोटि हमेशा एक होती है। इसे कैलकुलेट करने पर, गणना करने पर ऐसा देखा जाता है कि कोटि दो होता है, लेकिन हमेशा ऐसे अभिक्रिया की कोटि सिर्फ और सिर्फ एक होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को छदम एकानुक अभिक्रिया नाम दिया गया है, क्योंकि होता कुछ और है और बताता कुछ और है। तो इस प्रकार अगला हम देखें तो इसमें भी C12H2O11H2O में इसमें भी एक है तो इसमें भी एक है। फिर से अभिक्रिया दर नियम R समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता, तो क्रिया कारक के रूप में हो गया C12H2O11, यहाँ H2O, फिर से इसका भी एक, तो एक प्लस एक बराबर कितना, तो अर्थात इसकी भी कोटि निकालने पर दो आ रहा है, लेकिन यहाँ परिभाषा के अनुसार एक बताया जा रहा है। फिर से अगला देखा जाए C6H5 अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता C6H5N2Cl और फिर से H2O, यहाँ भी देखा जाए तो एक प्लस एक बराबर दो कोटि दिखाए इसके अनुसार आ रहा है, लेकिन यहाँ छदम कानून के अनुसार कोटि एक बताया जा रहा है, क्योंकि ये सभी अभिक्रिया करने के लिए किसी अलग से जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप खुद ब खुद अभिक्रिया संपन्न होती है। एक और लास्ट में दिया है RX प्लस H2O से RX प्लस H2O से ROH अल्कोहल प्लस HX। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो समीकरण को देखने से ऐसा पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि दो है, अभिक्रिया की कोटि दो है, लेकिन कैलकुलेट करने पर अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता अर्थात R इक्वल टू जो भी हो कोटि देखा जाए, हमको कोटि निकालना है, R एक है, एक प्लस एक बराबर दो, लेकिन छदम एकानुक अभिक्रिया का मतलब है कि सब में कोटि तो दो दर्शा रहा है, लेकिन रियल में इसकी सबकी कोटि एक होती है। इसलिए छल कपट होने के कारण इसे छदम एकानुक या यूनिमोलिकुलर या स्यूडो यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया भी कहा जाता है। इन अभिक्रिया के कारण इनमें कुछ समानता के रूप में भी व्याख्या किया जा सकता है, अर्थात अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में कुछ ना कुछ अंतर भी बताया जा सकता है। तो अगला पॉइंट में आप लोगों को अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यही एक तरफ कोटि आप लोगों को इससे पहले हम समझा चुके हैं कि किसी भी दर्शनीकरणीय अभिक्रिया के कोटि की परिभाषा आप लोगों को समझा चुके हैं। कोटि किसी भी अभिक्रिया के दर नियम में सांद्रता के घात के रूप में सजाया गया अंक कोटि कहलाता है। अब यहाँ आप लोगों को कोटि और अनुसंख्यता में कुछ अंतर बता देते हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ कोटि लिखते हैं तो दूसरी तरफ अनुसंख्यता, अनुसंख्यता कोटि शून्य हो सकती है। पहला पॉइंट, कोटि शून्य हो सकती है, अनुसंख्यता कभी शून्य नहीं हो सकती है, कभी शून्य नहीं हो सकती।
दूसरा यह पूरी विक्रिया के लिए समान होती है, इसमें जरूरी नहीं है असमान भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट, तीसरा अंतर, इसे प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसे प्रायोगिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है, इसे सिर्फ सैद्धांतिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है। यह सांद्रता के घात होता है, यह वेग निर्धारक पद होता है। तो अनुसंख्यता अनुक्ता में, अनुसंख्यता और कोटि में यही अंतर है। मुख्य रूप से चार अंतर आप लोग को बता दिए हैं, ऐसे पहले क्लास में भी बता चुके हैं, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। और आज के बाद मैक्सिमम पर डे के हिसाब से आप लोगों के लिए एक वीडियो पर डे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आपका पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहे। संजीव सर, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।